पल्लवीज किचन, आज हम बनाएंगे मावा खुरचन पराठा। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप ग्रेटेड मावा, 1 कप आटा, केसर को मैंने पानी में डिप कर लिया है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, देसी घी, 2-3 टेबलस्पून शुगर, पिंच ऑफ सॉल्ट। हम डो रेडी करेंगे, आटे में हम पिंच ऑफ सॉल्ट डाल लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम पानी डाल के गूंद लेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून देसी घी भी ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। डो हमने गूंद लिया है, अब इसको हम 45 मिनट्स के लिए ढक के साइड में रख देंगे। 45 मिनट्स हो गए हैं, अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। इसको एक बार हम मसल लेंगे। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। इसका हम थोड़ा बड़ा पेड़ा बनाएंगे। पेड़े हमने बना लिए हैं, अब इसको हम साइड में रख देंगे और स्टफिंग रेडी कर लेंगे। अब हम स्टफिंग रेडी करते हैं। मावे में हम इलायची पाउडर डाल लेंगे, केसर डालेंगे, शुगर, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया, अब इसको हम पेड़े में स्टफ करेंगे। अब हम पेड़ों को स्टफ करेंगे। पेड़े में हम सूखा आटा लेंगे, इसको थोड़ा बेलेंगे। अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको अच्छे से इसका बॉल बना लेंगे। इसी तरह हम दूसरे पेड़े को भी स्टफ कर लेंगे। पेड़ों को हमने स्टफ कर लिया, अब इसको हम बेलेंगे। पेड़े में हम थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे, इसको थोड़ा प्रेस कर लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हमने बेल लिया है, अब इसको हम सेकेंगे। तवे को मैंने गरम कर लिया है, इसको हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। ये हल्का इस साइड से सेक गया है, इसके हम साइड चेंज कर लेंगे। इस पे हम घी लगाएंगे। घी लगा दिया हमने, अब इसके हम साइड चेंज करेंगे। इस साइड भी हम घी लगा लेंगे, हल्का प्रेस कर लेंगे, इसकी साइड चेंज कर लेंगे। पराठे को हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। पराठा क्रिस्पी हो गया है और आप देख सकते हो इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। पराठा रेडी हो गया, अब इसको हम सर्व करेंगे। ये हमारी आज की रेसिपी मावा खुरचन पराठा। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।